आज अतिशा सभागृह में आप सभी आचार्य वृंद, शिक्षक वृंद, कर्मचारीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आज माननीय कुलपति आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर जी एन शामतेन जी विश्वविद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर आपके सामने कुछ मुद्दों को लेकर के संबोधित करेंगे। मैं सर आपसे सादर आमंत्रित मैं करता हूं कि आप आएं और अपने उद्बोधन से या विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित करें। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर उपाध्याय जी, आचार्यगण, कर्मचारीगण तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीच बीच में हम लोग मिलते हैं और फिर बीच के जो गतिविधियां हैं और उसे सूचित करना भी एक आवश्यक होता है, सारे परिवार को इसकी जानकारी मिलना चाहिए और आगे की योजना और कार्यक्रमों के बारे में जो कुछ योजनाएं हैं उसको भी सामने लाना और बीच बीच में इस पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बिंदुओं को ले आ रहा हूँ, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस और फिर अनेक विभिन्न बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं और साथ ही साथ फिर संस्थान के नाम को लेकर के इधर आप लोगों ने सुना भी होगा सुप्रीम कोर्ट के इशू ऑर्डर को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के मैं सोचा कि के आपके सामने बातें रखें और इंस्टीट्यूट के स्टेटस को भी लेकर के। ओके, एक इशू ये है तो एक नॉमेनक्लेचर को लेकर के 208 में हमारे आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा, ये 2008 है, मैंने क्या कहा है? अच्छा तो बहुत आचार्य नागार्जुन के समय चले जाएंगे। 2008 में आप में से कई लोग वहाँ होंगे, एकेडमिक काउंसिल में लोगों ने सुझाव दिया कि अब बाहर से भी सुझाव आ रहा है और फिर अपने यहाँ भी कई लोगों का ऐसे विचार है कि हम लोगों का विचार है कि यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो फिर उसमें विचार उस विचार के अनुसार फिर बोर्ड में लिया गया था, ले जाया गया था और बोर्ड में भी वही बोर्ड में क्या हुआ था, हमारे तरफ से जो एक नॉमेनक्लेचर था वो यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ से फिर ये आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज हैं और हायर टिबेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी प्रयोग कर रहे हैं और फिर सेंट्रल अब यहाँ से गायब हो जाए तो ठीक नहीं है क्योंकि ये पता नहीं चलता है नाम से कि ये प्राइवेट है कि स्टेट है कि सेंट्रल है, इसलिए सेंट्रल जरूर रहना चाहिए। तो मुझे याद है कि उस समय हमने कहा कि सेंट्रल का अपना एक केस वो स्टेटस होता है और उस वो एक सेंट्रल पार्लियामेंट से ही एक्ट पारित होकर के फिर ये लागू होता है, इसलिए सेंट्रल ना लगाया जाए। लेकिन फिर काफ़ी ये उस पर प्रेशर और ये उन्होंने एडवोकेट किया कि नहीं सेंट्रल ही होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता है कि आपका फंडिंग कहाँ से हो रहा है और किसके द्वारा नियंत्रित है। तब फिर उसी के आधार पर वो ये माना गया था और उसी नाम को आगे सोसाइटी में पारित करना है क्योंकि सोसाइटी के माध्यम से ये पारित हो करके ये होना है, प्रयोग में लाना है। तो सोसाइटी ने जब वहाँ विचार किया था तो उसी नाम को रिकमेंड किया था और रिकमेंड करते हुए फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अप्रोच करने के लिए बताया गया था और तदनुसार फिर उस सोसाइटी के बाद फिर पत्र लिखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस नाम को अप्रूव किया था।
और उस अप्रूवल के आधार पर फिर स्पेशल मीटिंग सोसाइटी की मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें फिर जो पहले रिकमेंड किया गया था उसी को अडॉप्ट करते हुए फिर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। और फिर उसके अनुसार 2009 में परम पावन जी के करकर्मों से फिर यहाँ उद्घाटन हुआ था नाम का। और उसी के दूसरे साल 2010 में यूजीसी ने एक 2010 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन करके एक पत्र इशू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये मैं बता रहा था कि यूनिवर्सिटी शब्द डीम्ड और चाहे या सेंट्रल और यूनिवर्सिटीज का एक विशेष अंतर यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्लियामेंट से पारित होना अनिवार्य होता है, और यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने ये प्रांतीय ये असेंबली से पारित होना होता है, वहीं के उसी में एक्ट पारित करके फिर बनाया जाता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो यूजीसी के द्वारा, जब कोई भी संस्थान गुणवत्ता या गुण के आधार पर अगर वो पढ़ता है ये उस स्तर का कुछ भी रिकॉग्निशन देने लायक है तब दिया जाता है। और पहले बहुत ही कठोर होता था, बीच में 2001, 2003, 2004 में काफ़ी ढीला हो गए, और उसी समय बहुत सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नाम पर आने लगे जो एक धंधा का एक केंद्र बन गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय 2006-7 में ही था शायद डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे को डीरोगनाइज भी किया गया था और कई इन्वेस्टिगेशंस भी हुआ था उसी हुआ था। और फिर 2010 के रेगुलेशन के आधार पर फिर हम यूजीसी के साथ संपर्क, जब हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अपडेट करने के लिए ये संपर्क किया गया था, तो हमारे यहाँ से जो भी पत्र 3-4 पत्र गया होगा पूरे रेगुलेशन डिटेल्स से मेमोरेंडम ऑफ एमओए का, तो हर जगह जहाँ भी मिनिस्टर ऑफ कल्चर का मेंबर रिप्रेजेंटेटिव की बात है सोसाइटी में और ये फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में और फाइनेंस में, और वहाँ जहाँ कहीं भी ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर की रिप्रेजेंटेटिव और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और फिर क्योंकि ये एक बायलेटरल नेचर के इंस्टीट्यूट है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिप्रेजेंटेटिव भी रहता है, और इसके साथ साथ हिज होलीनेस के रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो इन सारे जहां कहीं भी हमने लिखा वहां इरेलेवेंट डिलीट करके वापस आते थे, फिर हम लिखते थे पूरे एक जस्टिफिकेशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ वापस भेजते थे, तो फिर वापस नॉट नेसेसरी डिलीटेड इरेलेवेंट करके फिर आता था। तब जाकर के हमने यूजीसी के चेयरमैन से मिले कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो फिर इसकी एक विशेषता है, और फिर उन्होंने कहा कि आप ये हमारे दायरे के बाहर हैं और फिर एचआरटी से ही आप मिलकर के बात कर लें। तब हम गए थे एचआरटी के सेक्रेटरी से मिलने और एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें हमने दो चीजों की बात की। एक में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो एक बोर्ड है सोसाइटी है, और सोसाइटी के गठन कैसे हों और फिर बोर्ड के गठन कैसे हों उसमें हमने लिखा, और वहाँ मीटिंग में भी मैंने रखा कि ये जो अभी वर्तमान रूप में यूजीसी रेगुलेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में कुछ परेशानियाँ हुई और कुछ फिर एनालिसिस भी हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुआ, और इसके बाद जो बनाया गया था उस के आधार पर प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को ही दिमाग में रख करके बनाया गया था, इसलिए बहुत सारे चीज़ें हमारे ऊपर न केवल नहीं लागू होता है लेकिन बहुत सारे ऐसे खामियां हैं जिसके अभाव में ये पब्लिक फंडेड जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं वो आगे जा कर के बहुत सफ़र करेंगे, और इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण और एक अर्जेंट मैटर है कि
कि ये HRT इस पर ध्यान दे करके फिर संशोधन करें। तो जब मैंने ये बात रखी थी वहाँ HRT के मीटिंग में, तो उस समय सेक्रेटरी थे और UGC के सेक्रेटरीज को भी बुलाया, जॉइंट सेक्रेटरीज को भी बुलाया, और HRT की जॉइंट सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स आदि जो संबंधित थे, ऑफिसर्स हैं, उन सबको भी बुलाया गया था। तो उस समय फिर जब मैंने दो बिंदुओं पर, एक तो सोसाइटी बोर्ड आदि के जो गठन है इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार का जो एक नियमावली होना चाहिए वो पब्लिक फंडेड या गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में पाया नहीं गया है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और हम तुरंत ध्यान देंगे करके मेरा पत्र का प्रथम जो वो था ये, और जिसमें फिर इन सभी ये विभागों से, मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय, और फिर इसके साथ साथ वो क्या कहना चाहिए, परम पावन दलाई लामा जी के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करने के संदर्भ में वो हुआ था। तो उन्होंने सचमुच में बहुत ही जल्दी, करीब दो हफ्ते के ही भीतर, फिर ये गैजेटेड किया और ऑर्डर निकाला कि जितने भी सरकारी ये पब्लिक फंडेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं उसका संचालन और सोसाइटी और जो भी होगा वो संबंधित विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे जितने भी आज 100 के ऊपर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें से बहुत सारे जो एक वो हैं ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए बहुत ही लाभान्वित हुआ है। तो उसी उसका दूसरा ये पॉइंट जो उस पत्र में हमने लिखा वो था ये नोमेनक्लेचर को, क्योंकि हमने उसमें लिखा था कि क्योंकि ये नोमेनक्लेचर 2009 में हमने ये लागू में लाया है और इसलिए 2010 के रेगुलेशन से पहले ही हमने किया, इसलिए हमें इस नाम को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज से प्रयोग करने दिया जाए। तो उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि ये तो संभव नहीं है, नॉट परमिसेबल, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, तो फिर क्या किया जा सकता है, तो सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज, तो वो फिर सब मान गए क्योंकि सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे नोमेनक्लेचर में ही रख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके संदर्भ में HRD ने एक पत्र लिखा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन इन यूजिंग दिस नेम। और इसके बाद फिर कुछ समय के बाद 2016 में फिर हम उनके पास गए HRD के पास, अपने नो ऑब्जेक्शन तो दिया है लेकिन एक इसके संदर्भ में एक नोटिफिकेशन देने के लिए। जब नोटिफिकेशन देने के लिए कहा तो HRD ने इन प्रिंसिपल हम अप्रूव करते हैं और बाद में आप जो रजिस्ट्रेशन का नाम और जमीन का नाम आदि बदलने के बाद फिर पत्र हमारे पास आ जाए तो हम नोटिफिकेशन दे देंगे। तो वो फिर प्रक्रिया हम लोग चल ही रहा था तो बीच में अभी थर्ड नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी शब्द ना प्रयोग करने के लिए आदेश निकला था। तब हम HRD मिनिस्ट्री में चले गए और परसों हमारी मीटिंग हुई थी इसको लेकर के। तो सेक्रेटरी और उनके संबंधित थे अधिकारी लोग थे, तो वहाँ फिर हमने कहा कि हम सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज हमने प्रस्तुत किया और ये नाम स्वीकृति पाने के लिए हमने प्रस्तुत किया। तो इसमें हमारा, और पहले आप लोग भी जानते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंदर है और जो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसी को लेकर के हम अपने नोमेनक्लेचर में ही एक्सप्लिसिटली ला रहे हैं, नॉट इम्प्लिसिटली। तो इसलिए तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ठीक है, इसमें तो कोई ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप प्रयोग करना शुरू कर लीजिए। तो फिर बाकी ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकता है अभी, क्योंकि पहले की परिस्थिति थे तो ठीक है, लेकिन अभी ये
सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरफियर किया है, तो अभी इस मामले को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को रेफर कर लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाकर के हम इसी ये मुद्दा को लेकर के चले जाएंगे और वहां लिखेंगे, और लिखने के बाद उनके द्वारा अगर कोई वो नहीं है तो फिर हम ये पारित कर लेंगे। इसके लिए एक महीने का समय चाहिए कह रहे थे, लेकिन एक महीने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा, मैंने कहा कि बहुत सारे अभी कार्यक्रम होने वाले हैं और सोविनियर्स निकलने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स निकलने वाले हैं, इनविटेशंस जाना है, बहुत सारी चीजें जाना है, तो इसलिए हमारे पास अधिक से अधिक फिर ये एक हफ्ता 10 दिन होगा, इससे ज्यादा नहीं है, तो आप इस पर विचार करने के लिए कृपा करें। तो फिर उन्होंने कहा कि अब लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएंगे तो कब वापस आएगा पता नहीं, इसलिए अब हम लोग पहले का ही नाम प्रयोग करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टिबेटन स्टडीज, और बीच में हम लॉ मिनिस्ट्री अप्रोच करेंगे और लॉ मिनिस्ट्री जो कहेंगे हम उसी के अनुसार करेंगे। तब मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई अगर हम, जैसे सेक्रेटरी साहब का वो था, सुझाव था कि हाँ पहले आप लोग कर लीजिए, तो फिर अभी नोटिफिकेशन के अभाव में करना शुरू करें तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो इसलिए यही एक टू टेक द सेफ साइट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टिबेटन स्टडीज कर लें, और जैसे ही ये HRD से पत्र आएगा उसके अनुसार हम लोग प्रयोग करना शुरू कर दें। ये एक, अगर हम लोग बदलना शुरू कर लें और फिर बिना कुछ बताए ये प्रयोग करना शुरू कर लें तो फिर बहुत सारे फिर विचार गोष्ठियां हो सकती है ना तो इसलिए इस विचार गोष्ठी के समय से बचने के लिए मैंने सोचा कि सबके सामने बात रख लिया जाए। दूसरा मुद्दा है स्टेटस। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा स्टेटस के बारे में बताना चाहता हूं। प्रारंभ 2000 फिर 200 में जा रहे हैं, 2011 में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हम करीब 3-4 बार फिर गए थे, और फिर उस समय उन्होंने कहा कि आपको हम, क्योंकि उस समय फंडिंग के लिए और फिर आगे हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे एक्सपेंशन विस्तार करने के लिए भी योजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाइए, फिर एक्सपेंशन जितना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और पहले ही किस्त में ये इसमें हम ये इंस्टॉलमेंट में 200-300 करोड़ हम दे देंगे, फिर जो आप करना चाहते हैं करिए। तब मैंने कहा कि इस पर मुझे थोड़ा विचार करने का समय दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरी बात है जो जिस चीज़ को हम आपके पास लेकर आए हैं और फिर ये दूसरी बातें हो रही हैं, तो मुझे फिर इस पर विचार करने के लिए समय दे दीजिए, फिर हम बाद में ये हमारे श्रद्धेय बुच्छे जी से और डॉक्टर कपिला वासन जी से और हमारे फिर सेक्रेटरीज, भूतपूर्व सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज और विद्वान जो हमारे ये वो हैं हितैषी और अच्छे संबंध और सुविचारक हैं, उन काफ़ी लोगों से बात हुई, और इसके बाद 2 हफ्ते के बाद फिर हम गए और मैंने कहा कि आपने जिस प्रकार विचार किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, फिर वो अगर बन जाएं तो इतना जनरल बन जाएगा कि हमारा अपना लक्ष्य ही खो जाएंगे और एक जो विशेषता है वो खो जाने की संभावना है, तो इसलिए हमें इसी स्वरूप में रहने दीजिए और फिर इस पर आर्थिक और फिर सुविधाएं आप दे सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, तो हमने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पिछले साल 2016 में फिर हमारे सेक्रेटरी सिन्हा जी और फिर जॉइंट सेक्रेटरी काफ़ी हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर के बहुत ही एक वो है प्रभावित हैं और कहते रहते हैं कि आप लोग बहुत कुछ करने के लिए योजना है, एक्सपेंशन के लिए योजना है, बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, करने की क्षमता है, पोटेंशियल्स हैं, तो फिर इसलिए हम लोग जो है फिर इसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज बनने के लिए हम प्रस्ताव कर रहे हैं भारत सरकार को, तो एक मीटिंग भी हुई थी और फाइल में भी उन्होंने लगाया
और फिर लेकिन दोनों फिर ट्रांसफर हो गए। अब इसी बीच में नीति आयोग के विचार के आधार पर एक पत्र आया सरकार से दो ऑप्शन के साथ। एक ऑप्शन ये था कि जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत बुद्धिज्म एंड टिबेटन स्टडीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चारों को एक एक में क्लब करने की बात नहीं है, एक एक साथ एक कन हाँ एक एक उनके ऊपर एक काउंसिल बनाने की बात है और उनके ऊपर के जो काउंसिल है उसके बोर्ड में हमारे अपने प्रतिनिधित्व भी हों और फिर ऐसे किया जाए। दूसरा ऑप्शन है और उस काउंसिल के द्वारा फिर संचालित हों। दूसरा अपने बोर्ड और सोसाइटी एकेडमिक काउंसिल वगैरह रहेगा लेकिन इसके ऊपर एक काउंसिल बनाने की बात हो रही थी। दूसरा ऑप्शन था कि आपके इंस्टीट्यूट्स को हर एक इंस्टीट्यूट्स को सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से बनाया जाए। ये दो ऑप्शन था तो हमने एक लंबा पत्र लिखा कि हमारे हर इंस्टीट्यूट का अपना एक विशेष स्वरूप है, अलग अलग लक्ष्य हैं और अलग अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव और फिर कल्चरल और एक एकेडमिक का स्वरूप है। तो फिर उसको कायम रखने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें ये इस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज बनाया जाए या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज बनाया जाए या थर्ड ऑप्शन था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये इन तीनों में से किसी को आप बनाएं लेकिन ये हम ये जोर एम्फेटिकली हम जोर दे करके कहना चाहता हूँ कि इसका स्वरूप या परिवर्तित ना किया जाए और क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर के इसकी स्थापना हुई है और उसके प्रति जाने के लिए इसे सक्षम बनाना चाहिए और सक्षम होना चाहिए जिसमें फिर परम पावन दलाई लामा जी का प्रतिनिधित्व होना और उनका मार्गदर्शन मिलना एक इस के लिए हमेशा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए वो हमेशा होनी चाहिए। ये हमने पत्र लिखा। अभी ये पत्र सरकार के वहाँ फाइलों में चल रहा है, अब आगे क्या होगा पता नहीं। ये आपको सूचित करने के लिए मैंने सोचा बताना चाहिए। अब तीसरा चीज है, अब आने वाले इवेंट्स हम सभी को मालूम होगा, छात्रों को भी कुछ मालूम होगा कि ये अब कई नोटिस वगैरह भी चले गए हैं। तो गोल्डन जुबली मनाने की बात हो रही है, न केवल बात हो रही है हम लोग तैयार भी कर रहे हैं। तो इसमें गोल्डन जुबली 2018 जनवरी 1 तारीख को बनाएंगे। इसके पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिज्म ऑन माइंड इन इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स एंड वेस्टर्न साइंस, इस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। इस विषय को लेकर के प्रायः अभी कहीं भी इस विषय को लेकर के कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक परम पावन जी का भी एक बड़ा, वो हमेशा कहा करते हैं कि माइंड की जो व्यवस्था है, माइंड को लेकर के जितना अभ्यास और अध्ययन और विश्लेषण और शोध भारत में प्राचीन काल से हुआ है वो आज तक दूसरे जगह हुआ नहीं है। तो इसलिए और खास करके बुद्धिज्म में तो ही है, तो इसलिए सोचा कि भारत वर्ष के जितने भी फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं वो सब एक साथ फिर मिलकर के माइंड के ऊपर, ये अब वो दिमाग वाला नहीं है, चित्त पर दिमाग दूसरा चीज हो जाता है, चित्त पर फिर चित्त का स्वरूप, चित्त का फिर गतिविधियां, चित्त का फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका फंक्शंस क्या होगा, बहुत सारे चीजें होती हैं। तो फिर उस समय हमने वेदांत को वेदांत के विद्वानों को बुलाया और फिर सांख्य के विद्वान, उसी प्रकार फिर वैशेषिक के और न्याय के विद्वान, जैन के विद्वान, थेरवाद के विद्वान, महायान के विद्वान और फिर विज्ञान के विद्वान, वैज्ञानिक लोगों को भी बुलाया। तो वो एक कार्यक्रम 30 और 31 दो दिन होने वाले हैं। इसके बाद
और उस इवेंट्स में फिर हमारे अपने एलमनाई जितने भी भूतपूर्व छात्र हैं उन सबको हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं और जितने भी आएंगे उन सब के लिए रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था अपने यूनिवर्सिटी के तरफ से की जाएगी। और अब हम लोग अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, परम पावन जी ने आने की स्वीकृति दे रखी है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये अप्रोच हो रहा है और फिर ये हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के माननीय मंत्री जी तो आएंगे ही, हमारे चांसलर हैं इसलिए आएंगे ही, उनसे बात हुई। हमको तो होस्ट करना है कह रहे थे, हमको आमंत्रित नहीं करना है, हम तो होस्ट हैं आपके, वो तो है ही है, एक चांसलर हैं हमारे। और फिर बहुत सारे लोग आएंगे, विद्वान आएंगे और डिग्निटरीज आएंगे। इसके बाद फरवरी 2-3-4 को AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का हर वर्ष एक एनुअल मीटिंग होता है जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स आते हैं और फिर उस समय शिक्षा को लेकर के या शिक्षा या किसी मुद्दा को लेकर के एक दिन का कॉन्फ्रेंस होता है और बाकी डेढ़ दिन फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बातें होती हैं और कुछ बाहर के कॉर्पोरेट्स और अन्य ये जो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो बॉडीज हैं अफ्रीका में, लंदन में, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज के, वहाँ के प्रतिनिधित्व को भी बोलने का अवसर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसमें हम समझते हैं कि कम से कम 250 से 300 तक वाइस चांसलर्स आ सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकता है। अगर इतना आए तो व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक आयोजन करने के लिए अवसर दिया गया, ये भी बहुत एक बड़ी बात है। और फिर उस समय संबोधित करने के लिए फिर अभी चीफ गेस्ट के लिए भी अभी लिखा जा रहा है और अप्रोच किया जा रहा है। तो उस समय हमारे कई लोगों को इस में सम्मिलित कार्यक्रम में सम्मिलित होना होगा किसी न किसी कार्यकर्ता के रूप में, तो सब ये लोग तैयार रहें। इसके साथ साथ ये फरवरी के 24, 25, 26 के तीन दिन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्वरिग्पा होने वाला है, ये भी एक बड़ा आयोजन है। और इसके बाद मार्च में आपका कन्वोकेशन होने वाले हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होंगे, एग्जीबिशंस भी होंगे, क्योंकि ये हमारे पूरे साल भर का जो एक गतिविधियां हैं कुछ कार्यक्रम होते ही रहेंगे और अधिकतर यहाँ होंगे, कुछ दिल्ली में भी हो सकते हैं, कुछ अन्यत्र भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर कार्यक्रम और इस सभी कार्यक्रम मेजर कार्यक्रम हैं, इसलिए हर विभाग से लोगों को इसमें लगाया जा सकता है, छात्रों को भी लगाया जा सकता है, इसलिए सभी लोग तैयार रहें और ये मैं कहना चाह रहे थे। और अंततः मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे थे, रजिस्ट्रार साहब ने भी कहा कि छात्रों को कुछ एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए, तो फिर अब मोटिवेट तो पहले से किया जा चुका है, इसके लिए छात्रों के एग्जामिनेशन को लेकर के तो एक मुख्य अपने विश्वविद्यालय का मुख्य ही कार्यक्रम और उद्देश्य और कार्य के रूप में हम करते रहे हैं। और फिर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के, पठन पाठन को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, इस पर तो एक केंद्र बिंदु है हमारे पूरे यूनिवर्सिटी के एक्टिविटीज़ को लेकर के, इसलिए ये तो है ही है। तो अभी जो अभी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, इसमें छात्र फिर अच्छी तरह से अपना ये परफॉर्मेंस करें, यही हम चाहते हैं कि आप लोग निडर होकर के। कुछ लोग पेपर सामने आने के बाद फिर मैंने कई लोगों से सुना, बहुत पहले सुना करते थे, एक बहुत पहले ऐसे ये सुना करते थे कुछ
जो एग्जामिनेशन से परिचित ज्यादा नहीं था और एकाएक यहाँ आकर के एग्जामिनेशन लिखित रूप में एग्जामिनेशन देने के लिए जब पर्चा उनके सामने रखा जाता था तो कहते थे कि बिल्कुल अंधेरा छा जाता था तो ऐसा ना हो इसलिए बिल्कुल एक अंधेरा छा ना जाए, बिल्कुल वहां से प्रकाशित हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और फिर लिखने के लिए अपना समय का फिर एक आयोजन करें है? और क्वेश्चंस किसको पहले लिखना चाहिए, इसके बाद क्या लिखना चाहिए, और समय को देखते हुए मैनेजमेंट करें और फिर योजनाबद्ध रूप ढंग से फिर ये लिखें। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा हो रहा है और फिर आप सबको शुभकामनाएं हैं। अब मुझे तिब्बती भाषा में अंतिम वाला ने हिंदी में लगातार कहते गए, क्योंकि एग्जामिनेशन था इसलिए बहुत से संक्षेप से संक्षेप करने का प्रयास किया और कुछ और मुद्दाएं भी थे लेकिन हमने यहाँ अभी बात करने के लिए उचित नहीं समझा क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है परीक्षा के चलते।